सिंधिया जी का सवाल है कि मेक्सिको में प्रधानमंत्री गए और उन्होंने मेक्सिको समर्थन मांगा, तो मैं कहना चाहूंगी कि मेक्सिको ने केवल समर्थन ही नहीं दिया बल्कि बाद में जब निर्णय हमारे पक्ष में नहीं हो सका तो एक देश जिसने ये कहा एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मीटिंग विदाउट प्लीनरी की और दोबारा से इस पर निर्णय करो, वो देश मेक्सिको ही था। और जहां तक उनको कहना है कि शायद ऐसा लग रहा है कि हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आज से पहले जब चर्चा होती थी तो ये कहा जाता था कि क्या भारत एनएसजी का सदस्य बन सकेगा, आज पूछा जा रहा है भारत कब एनएसजी का सदस्य बनेगा। तो क्या से कब का सफर हमारी कूटनीतिक रणनीति का परिणाम है, और इसलिए एक बार यदि निर्णय नहीं हो पाया तो उसे कूटनीतिक विफलता नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि आगे का जो रास्ता उसमें से निकला है उसे हमारी विजय माना जाना चाहिए। 2008 के जिस वेवर का वो जिक्र कर रही हैं, वेवर का मतलब है बरामदे तक पहुंचना और मेंबरशिप का मंदिर है कमरे के अंदर पहुंचना। तो 2008 और एनएसजी की मेंबर में वही फर्क है कि कमरे के बाहर बरामदे में बैठने और कमरे के अंदर बैठने, और जहां उनका कहना एडिशनल बेनिफिट क्या होगा, जब आप कमरे के बाहर हैं तो आप अपने हितों की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। 2008 के वेवर की बात सुप्रिया जी ने की, पर मैं उन्हें याद दिला दूं, 3 बरस बाद 2011 में एक निर्णय उसी एनएसजी ने यह भी किया कि सेंसिटिव एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नॉन एमपीटी स्टेट्स को ट्रांसफर नहीं की जाएंगे। वो हमारे विरुद्ध निर्णय था, लेकिन अगर हम अंदर होते तो हम ये निर्णय नहीं होने देते। तो अभी हम रूल टेकर हैं, रूल मेकर नहीं है। जब हम एनएससी के मेंबर हो जाएंगे तो खुद रूल मेकर हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा एडिशनल बेनिफिट हमें मिलेगा। तो सवाल के दो खंड हैं, एक तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत हाई क्रिएट कर दी, हम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हाई पर, ये बिल्कुल गलत है। हमने कोई हाई क्रिएट नहीं की, हमने 12 मई को जब एप्लीकेशन दी 2016 में इतने लो फैनफेयर से दी, कोई धूम धड़ाका उसके लिए नहीं किया। हाँ, बाद में भरपूर प्रयास जरूर किया। अगर कोई भरपूर प्रयास को हाइप कहता है तो ये सही नहीं है, और अगर हमने आधा अधूरा प्रयास किया होता और आलोचना होती तो समझ में आ सकती थी, लेकिन लक्ष्य को साधने के लिए भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए, आज तक यही समझा है हमने, और उसी के लिए भरपूर प्रयास किया, उसे हाइप नहीं कहना चाहिए, हमने पूरा होमवर्क किया। वो स्वागतदा कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि चाइना प्रोसीजरल हर्डल कह रहा, मैं आज भी कह रही कि सदन के मंच पर खड़े होकर कह रही कि चाइना ने प्रोसीजरल हर्डल्स लगाए, और मेन प्रोसीजरल हर्डल था कि नॉन एनपीटी स्टेट्स को एनएसजी का स्टेटस कैसे दिया जाना चाहिए, इसका प्रोसेस तय होना चाहिए। ये ठीक है कि इसके कारण निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन जहां तक चाइना के साथ इंगेजमेंट का सवाल है, हम इंगेजमेंट में लगे हैं, अभी भी हमने प्रयास बंद नहीं किया। और मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि एक बार अगर कोई ना माने इसका मतलब ये नहीं है वो कभी नहीं मानेगा। ये हमारे कांग्रेस के मित्र जीएसटी पास नहीं होने दे रहे, 4 सत्र गुजर गए, सारी पार्टियां मानी हुई हैं, एक अकेले उनके कारण रुका हुआ है, लेकिन क्या मैं ये कह दूं वो कभी नहीं मानेंगे और जीएसटी कभी पास नहीं होगा। हम मनाने में लगे हैं, हो सकता है इसी सत्र में मान जाए और इसी सत्र में पारित हो जाए। तो ये कहना कि एक बार वो नहीं माने इसलिए वो कभी नहीं मानेंगे, हमारी चाइना से एंगेजमेंट बराबर बनी हुई है। क्लियर कट पॉलिसी ये है कि अभी उन्होंने बोला कि क्या हम एनपीटी के मेंबर बने बिना एनएसजी के मेंबर बन जाएंगे, हमें वेवर एनपीटी के मेंबर बने बिना ही मिला था। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ हम एनपीटी कभी साइन नहीं करेंगे, ये आज यहाँ इस मंच पर कहना चाहती हूँ, लेकिन एनपीटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धताएं पूर्ण है, और मैं इसका श्रेय पुरानी सरकार को भी देना चाहती हूँ। 2008 में जब वो वेवर लेकर आए तब उन्होंने कुछ प्रतिबद्धताएं मानी थी कि हम ये कमिटमेंट्स करेंगे, जिसमें कई चीजें थी, उसमें तो हम सिविल और स्ट्रेटेजिक अपने कार्यक्रम को सेपरेट करेंगे, हम IAEA सेफ गार्ड्स को मानेंगे, हम एडिशनल पर्टिकल को मानेंगे, हम FMCG का कमिटमेंट करेंगे। वो तो पुरानी सरकार ने 6 साल तक पूरी की, अब 2 साल से हमारी सरकार पूरी कर रही है। तो एनपीटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सरकारों की भी और देश की
500 मेगावाट यानी 63 गीगावाट हम न्यूक्लियर से लाएंगे। हमने केवल 4 देशों के साथ नहीं, हमने 13 देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन